क्या हुआ बलजीत भाई? साहब यहाँ अपना भाई था, ये परिवार में से हैप्पी पुत्र विनोद, जाति वाल्मीकि, वार्ड नंबर 11 से है। हमारा छोटा भाई है, चाचा जी का लड़का लगता है। उसकी 5 तारीख को शादी हुई थी। दो भाई हैं, ये मिस्त्री का काम करता था। और आज इतने बड़े त्योहार वाले दिन ट्रक के ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यहाँ एक भयानक हादसा हुआ है। जिस बच्चे की 5 तारीख को शादी हुई थी, आज उसकी मौत हो गई है। तो पूरे परिवार, समाज और पूरे गांव के अंदर बहुत ही मातम छाया हुआ है। हम सरकार से, प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि जो गाड़ी पकड़ी गई है उसका गाड़ी नंबर आप साहब को पता है, और मौके पे गाड़ी में दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि एक्सीडेंट हुआ है, उसके सिर के बाल भी फंसे हुए हैं। तो हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि कल 11 बजे से पहले दोस्तों को यहाँ प्रस्तुत करेंगे, और इस गाड़ी के ऊपर, ड्राइवर के ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो गाड़ी है, गाड़ी की वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है और किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट्स अभी प्रोसेस में है नहीं। तो इसके लिए हम चाहते हैं उचित से उचित और बहुत जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जब एक्सीडेंट हुआ तो जो गाड़ी है, जो ट्रंक है, उसको पकड़ा कर ड्राइवर था जो मौके पे था वो? नहीं, एक्चुअल में वो गाड़ी में कुछ इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी वहाँ पे प्रोसेस में आई नहीं और चल नहीं पाई गाड़ी। तो गाड़ी को ढूंढ लिया था मौके पे और जो ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया। अगर पुलिस की बात की जाए तो मौके पर कब पहुंची पुलिस? पुलिस पहुंची है साहब, मैं यहाँ से एक्सीडेंट होने के बाद डेड बॉडी जा चुकी थी, वहाँ से लोग भी आ चुके थे वापस, अभी की बात है। और इस प्रोसेस में कम से कम 2.5-3 घंटे का टाइम लगा है और पुलिस ने कोई कार्रवाई उस टाइम की नहीं है, जबकि हमने गाड़ी ढूंढ के पुलिस को फोन करा है और पुलिस को इन्फॉर्म करा है कि गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, ये भी 2.5 घंटे के बाद, 2.5 से 3 घंटे के बाद। अगर परिवार के सदस्य की बात की जाए, कितने सदस्य है परिवार के अंदर? परिवार के अंदर सर दादा दादी हैं, माता पिता हैं, पिताजी इसके, दादा दादी बुजुर्ग हैं बहुत ही। और तो उम्र क्या होगी बलजीत इनकी? उम्र सर होगी 23-24 साल के लगभग एज रही है। और बस इसी एज में था, मिस्त्री का काम करता, पूरे घर का गुजारा इसी लड़के से चल रहा था। सरकार से भी यही आशा रखते हैं कि भाई परिवार की आर्थिक रूप से भी सहायता की जाए। ये लड़का नरवाना की तरफ से जो बयान देने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नरवाना की तरफ से आ रहा था, पीछे से कोई गाड़ी आ रही थी तेज स्पीड से जी। उसने उसके पीछे से टक्कर मारी है जी। वो मोटरसाइकिल घूमने के बाद और वो आगे से भी टूट गया और साइड से भी टूट गया, और इसके बच्चे के चोट लगी है सिर में, पैर में, दहने पैर में, दहने उसमें, और इसकी मौके पर ही मौत हो गई जी। और उसका भाई भी साथ साथ था वहाँ, दूसरे उस पे बाइक पे आ रहा था जी। ये आज फाग है ना, कहीं गए होंगे किसी काम से। तो हमने मौका संभाल लिया है और 174 की कार्रवाई करके और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। सुकमा जी, डेड बॉडी की बात की जाए तो कहाँ फिलहाल अभी? हाँ, डेड बॉडी हमने डेड हाउस में रखवा दी है, फ्रीजर में। पुलिस की कार्रवाई क्या रहेगी फिलहाल अभी? पुलिस कार्रवाई कर रही है अभी जी। मुकदमा आज तो गैर टाइम हो गया जी, आज तो कार्रवाई होगी नहीं। कोई शिकायत सौंपी गई फिलहाल अभी? है कोई शिकायत सौंपी गई अभी? क्या शिकायत वगैरह कोई? हाँ, वो बयान दे दिए ना जी।